मैं आपके सर की कसम खाती हूँ, आप जिनसे बोलोगे मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो मैं आ गई। तो मैं क्या करूं? पार्टी करो यहाँ पे। तुम क्यों करोगे? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैंने तुमसे दोस्ती की है तो दोस्ती का फर्ज तो निभाना पड़ेगा ना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मीरा ने मेरा दिमाग खराब किया हुआ है, पता नहीं वो क्या चाहती है। मीरा, ये जो तुम देख रही थी ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ये कैसे गिर गई तुम? सॉरी। इस पे गिरने का तो सिर्फ तुम्हारा है ना मीरा। ये गिरना पड़ना ना बंद करो, मेरे नए ससुराल वाले आकर बहुत सारा काम है। जी आप लोग दीजिए ना। वो आप कुछ कह रहे थे बाहर? ओ जी मैं ये कह रहा था कि बात साफ साफ हो जानी चाहिए। हमने सुना कि आपकी बेटी की शादी हो चुकी है, तलाक हुआ है और वो लड़का भी इसी घर में रह रहा है। ओ तो यार ठीक है, मैंने इनसे कुछ छुपाया नहीं है। इससे पहले कोई और बता दे, हम ही बता देते। जी जी शादी तो हो गई थी पर कभी दोनों के बीच में बनी ही नहीं। वो पति पत्नी तो थे पर दोनों के बीच में पति पत्नी का रिश्ता ही नहीं था। ये तो आप कह रही है ना। ओ मैं क्या जी, जरा लड़के को बुला लो, उसी से पूछते हैं कि तलाक क्यों हुआ। हाँ पता तो होना ही चाहिए, आखिर जिंदगी सारी बितानी है उसके साथ। हाँ हाँ बुलाइए जी बुलाइए, पुराने पति को तो बुलाइए जी। बोलिए। आ गया मैं, बुलाया आपने मुझे। मुंडा तो बड़ा स्मार्ट है तो फिर तलाक क्यों? मुझसे क्यों पूछ रही हैं? मुझे थोड़ी तलाक चाहिए, जिसको चाहिए उनसे पूछिए ना। मैं तो यहां पे मीरा को वापस ले जाने आया, तलाक लेने नहीं आया। और बीवी को वापस लेके तो मैं जाऊंगा, देखते हैं कौन रोकता है। वो क्या है ना, मेरे पास कोर्ट की मोहलत है 5 महीने की, तो उस मोहलत के दौरान अगर उससे किसी ने शादी करी या किसी ने रिश्ता तोड़ने की कोशिश करी तो सीधा अंदर। तो एक एडवाइस देता हूं, निकल लो। ओए ये क्या बकवास कर रहा है, डिंगरे रोकना है इसको। देख लिया आप लोगों ने, इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं इसे अपनी बेटी से दूर रखना चाहता हूँ। अरे लायक ही नहीं है ये मेरी बेटी के। देखो आप मेरी बात सुनो, देखने दिखाने का काम हमारा है, तुम अपनी चिंता करो। ओ यार बड़ी गलती हो गई यार, इतने घटिया लोग निकलेंगे मैंने सोचा भी नहीं था यार। उसमें तेरी गलती नहीं है, तूने तो अपनी तरफ से अच्छा ही रिश्ता लेके आया था ना। अच्छा सुन, तू अगर बुला ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ दस। ओ यार तेरे तो पता है मेरा बेटा सनी कनाडा से आ रहा है। ओ हाँ यार, मैं चाहता हूँ मेरा पुत्र मेरे घर की बहू बने। ही गल कर रहा है यार। ओ हाँ यार,
सच? और यार बिल्कुल सच, तू अगर बोले तो मैं सनी से गल करूं। ओ हाँ यार, इसमें पूछने की क्या बात है? वो तो फिर खड़ा क्यों है, गले लगना। ओ हाँ यार, कुछ चीजें ना बच्चे ही देख सकते हैं जो हम नहीं देख सकते, जैसे दिल से दिल का मेल, बातों से बातों का मेल। तो मैं बस ये कह रही थी कि अगर ये दोनों एक बार मिल लेते, बातें कर लेते, तब फैसला लेते तो ज्यादा बेहतर था जी। वो तो चुप कर, बीच में अड़ंगे मत डाला कर। वो दिन के तोड़ती रहती है, जब देखो कितनी बार कहा है चुप रहा कर, जब देखो जब बोलती रहती है। मेरा पुत्र तू चिंता ना कर। तो मैंने ना उस तेंद्र को बोला, ओ भाई फोटो और मोबाइल नंबर भी दे सन्नी का। ओ भाई मेरा जब ली करेगा बात कर लेगी सन्नी से। ओए पिंड वाला नहीं हूँ, ओ मॉडर्न बाप हूँ भाई, मॉडर्न बाप। ले पुत्र मैं दिखा दूँ। मैं चलता हूँ। हाँ ओ बहुत सारे काम है भाई और सब करने हैं। वो सन्नी भी आने वाला है ना, तो उसकी भी तैयारी करनी है। और तू ना ये जो तेरी फितूरी बातें है ना, ये अपने तक रख, मेरी बेटी को मत सिखाए सारी बातें, समझी ना? जब देखो जब सिखाती रहती है इसको। जब मौका था तब तो तूने कुछ किया नहीं, मेरी मीरा तेरे लायक बनने की जीतोड़ कोशिश करती रही, और तू इतने में इतना गिर गया, मेरी मीरा के लायक ही नहीं रहा। तुम्हारी जिंदगी से मीरा को मैंने नहीं, तूने खुद अलग किया है, इसका जिम्मेदार तू है। अब कुछ नहीं हो सकता, चला जाए यहां से। आप मीरा के पापा हैं, उस हक से आप मुझे यहां से जाने के लिए कह सकते हैं, पर आप शायद भूल रहे हैं कि मैं मीरा से प्यार करता हूं, उतना जितना कोई नहीं कर सकता। ओ एक बात का ध्यान रखी, और शादी में किसी चीज की कोई कमी रही ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ चल रखता हूँ, चंगा। ओए प्रिंस, वो लच्छी हलवाई से बात की? हाँ बाबा बात हो गई, उसने खाने की लिस्ट मांगी है तो मैंने बोला शाम तक दे दूंगा। अच्छा ठीक है। अरे बधाई हो, बधाई हो। अरे आपकी बेटी मेरी बीवी का रिश्ता पक्का हो गया तो मुबारक तो बनता है ना। क्या है ये सब? क्या है मतलब? मैं तो एक्साइटेड हूँ, इतना खुश हूँ, आप मुझे देख के इतने डिप्रेस क्यों लग रहे हैं? कौन सा ड्रामा शुरू कर रहा तू? अरे सर ये कोई ड्रामा नहीं है, ड्रामा करने का हक और राइट तो सिर्फ आपको और आपकी बेटी को है ना। पर मैंने एक चीज डिसाइड कर ली, अब मैं भी इस ड्रामे में पूरा हिस्सा लूंगा। मेरा मतलब ये कि आपकी बेटी और मेरी बीवी, इनकी शादी मैं खुद कराऊंगा। क्या जरूरत थी तुझे उसको हाँ करने के लिए, वहाँ जाने के लिए? तुझे समझ में नहीं आता विवान फिर कोई नया ड्रामा रचेगा? पापा जी मैं ना थक गई हूँ सोच सोच के कि कौन ड्रामे कर रहा और कौन नहीं। मैं तो नहीं कर रही ना, आपने मेरे और विवान के रिश्ते को गलत बताया था ना, तो ये गलती सुधारने के लिए उस जगह से बेहतर तो कोई जगह ही नहीं हो सकती जहाँ से इस गलती की शुरुआत हुई थी। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। ठीक है अगर तुझे यही सही लगता है तो फिर यही सही, ठीक है। पुत्र हाय रब्बा, क्या हो गया है, रो क्यों रही है? मैंने क्या सोच रखा था और क्या हो गया? मे आई टेल यू, मीरा और विवान का रिश्ता ना गोंद की तरह चिपका हुआ है, सेलो टेप लग रखी ऊपर से वो, और स्टेप पर लगा अलग से वो अलग। मीरा और विवान के रिश्ते को जितना तोड़ने की कोशिश करो उतना ही और जुड़ता जाता है, और
ये विवान ने ना होशियारपुर जाने का फैसला ना इसलिए लिया है कि ताकि वो मीरा की शादी तुड़वाने का प्लान बना सके। क्या ऊट पटांग बोल रही है तू? अरे शुक्र कर के हम अपने घर में वापस जा रहे हैं जहाँ टूटियों में से पानी निकलता है। यहाँ पर हैंडपंप और कुएं में से पानी निकाल निकाल कर मेरी तो कमर दुख गई है। देख डोले शोले भी बन गए, फील कर। आओ जी आओ। क्या बात है यार टिंगरे, वेलकम टू कपूर मैंशन। विवान कपूर, आप मीरा के कौन? मैं मीरा का पति। इससे अच्छी लड़की तो मैं कभी नहीं मिल सकती। तुम्हारी शादी ऐसी लड़की से होने जा रही है जो बुरे से बुरे वक्त में तुम्हारे मुंह पे स्माइल लाते। अब खुद ही सोचो, जो अपने पापा के कहने पे कुछ भी कर जाए वो किसी भी घर के लिए ब्लेसिंग या एक आशीर्वाद से कम थोड़ी हो सकती है। वेल, अगर वो इतनी ही अच्छी है तो तुम शादी की तोड़ लो। टाइमिंग यार, लाइफ में ना टाइमिंग सब कुछ होती है। मेरी टाइमिंग खराब निकली। टाइमिंग से बड़ी एक और प्रॉब्लम है, वो ये कि मीरा तो बहुत अच्छी है पर मैं उसके लिए अच्छा नहीं हूं। मेरी बात का विश्वास नहीं होता तो अपने होने वाले ससुर जी से पूछ लो। क्यों मिस्टर ढींगरा, सही कह रहा हूं? क्यों बे, उस दिन जब मैंने खाना बनाया था तो बड़ा जेल जेल कर रहा था। जेल का खाना गंदी दाल सड़ी हुई रोटी, आज देख समोसा गुलाब जामुन केक। खा खा खा। आप गुस्सा किस पे हो जीजू? जीजू जीजू मत बोल सब, और अगर जीजू बोल रहा है तो अपने बाप। जीजू मानता है ना? अगर जीजू मानता तो मेरे ससुर जी को समझाता। और भाई है ना तू मीरा का, कोई फर्ज नहीं है तेरा, कुछ समझा नहीं सकता अपनी बहन को। सारा मामला तो लेके आप खुद ही वेबसाइट को होगा, फिर मेरे को समझाने के लिए बोल। देख ये जो रेस है ना, ये फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंचेगी, मीरा खुद ही ना कर देगी, देख लेना। बायोग्राफ ना आपकी लव स्टोरी पे टीवी शो बन सकता है, कभी हाँ कभी ना, कभी ना में हाँ कभी हाँ में ना। शादी के बारे में जानना चाहते थे? मैं मीरा जी से शादी करने तैयार हूं। बाकी आप उनसे पूछ लीजिए। मैं भी तैयार हूं। मुबारक हो यार। ओए मुबारक हो सिंदर। ओ मैं तो कहता हूँ आज ही कुड़माई भी कर देते हैं ना। ओ ले यार, ऐसे भी पूछन दी गल की है। ओए नेकी और पूछ पूछ। ओ पाजी आप ना अरेंजमेंट की कोई टेंशन ना लो, हम सब देख लेंगे।
आखिर हमारी बच्ची की खुशी का सवाल है। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। किसी ने मीरा की शादी की जिम्मेदारी ली है। विवान कपूर, अपनी बात से मुकर तो नहीं जाएगा ना? बस तूने इनके स्वागत की तैयारी तो बड़ी शानदार की थी, अब जो है कुड़माई का इंतजाम भी बहुत शानदार होना चाहिए। देखो ना माँ, देखो ना तुम्हारी भाभी क्या कह रही है, पता नहीं क्या करने जा रही है। उठो ना, कुछ 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 तो समझाओ उसे। तुम कहती थी ना कि मुझे मीरा से अच्छी लड़की नहीं मिल सकती, तो मैं मानता हूँ माया, मैं मानता हूँ मुझे ऐसी उससे अच्छी लड़की कभी नहीं मिल सकती, पर इन परिवार वालों को कौन समझे? इनको ये समझ नहीं आता कि मुझसे अच्छा लड़का मीरा को नहीं मिल सकता। तुम तो जानती हो कि उससे उतना प्यार कोई नहीं कर सकता जितना मैं करता हूँ। प्लीज उठो ना माया, आज मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। माया, कोई नहीं है मेरा यहाँ पे, कोई नहीं है जिसका जिसका हाथ पकड़ के रो सकूं, जिससे बात कर सकूं। बहुत अकेला फील कर रहा हूं माया, प्लीज उठो ना माया। तुम नहीं उठोगी ना तो पता नहीं आज मैं क्या कर जाऊंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या क्या करूं, किस किस से बात करूं, प्लीज उठ जाओ। विपान बेटा, काश मैं तुझे समझा सकती कि तू जो कुछ भी समझ रहा है वो गलत है। मीरा ने तो कुछ और समझ के ये कदम उठाया था, पर कहीं इसका उल्टा ही असर न पड़ जाए। मेरा पता चल, मेरे ना होने चाहिए डोली, साथ ले ले पहला, सब खराब हो रहा है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। वो बताएगी भी कि होया की है। विवान सब कुछ गलत समझ रहा है, इससे पहले कि उसे ये लगे कि उसके साथ धोखा हो रहा है, चाकी चाकी उसे सब कुछ बता देते, सारा ये ड्रामा ना खत्म कर देते। मम्मी को मतलब, मम्मी आप शांत हो जाओ, देखो ठंड रखो। मैं भी तो देखना चाहती हूँ विवान कब तक मुझ पे विश्वास रख पाता है, कब तक मुझे समझ पाता है। ओए अरे आप रुक क्यों गए, बजाइए, अब बड़ा अच्छा हारमोनियम बजाते हैं। थैंक्स, by the way, it's piano. वही वही। Please come in. और आपको क्या जरूरत थी, मैं खुद ही ले लेता ये सब। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात थोड़ी है। देखिए, एक तो आप हमारे मेहमान हैं, और दूसरा जो आपने मेरे लिए किया है ना, उसके आगे ये तो कुछ भी नहीं है। तो पट्टा वाला थैंक यू। अरे प्लीज थैंक यू मत कहिए, मैं तो बस विवान को ये फील कराना चाहता था कि उसे कितनी बड़ी गलती हुई है। जी, गलती तो हुई है, लेकिन वो गलत बिल्कुल भी नहीं है। वो तो दिखता है बहुत प्यार करता है आपसे अभी भी। थैंक गॉड, मैं तो डर रहा था कहीं वो मुझे पंच ना कर दे जब मैं बीच में आ रहा था। नहीं नहीं, वो उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सॉरी, इट्स ओके, यू नो इट्स ओके। मैं आपके लिए जूस। अच्छा, तो ये दोनों नाटक कर रहे हैं। हाय रब्बा, ऐसे तो प्लान उल्टा पड़ जाएगा। क्या करूं, क्या करूं, क्यों? हाय रब्बा, ये क्या हो रहा है? लाली को भी इसी ड्रामे के वक्त कोई दूसरा काम आ पड़ा, क्या होगा? मामी आई चली हो, आप मुझे बताओगे हुआ क्या है, या खुद से ऐसी बड़बड़ाते रहोगे आप? तू चुप कर, पहले अपनी माँ को फोन लगा, मैंने उसे बात करनी है जल्दी। करती हूँ रिलैक्स, ओके? बट आप मुझे बताओ तो सही आखिर बात क्या है। हेलो, हाँ मामा। अरे क्या हेलो, स्पीकर पे लगा, स्पीकर पे।
हाँ दिखा मुझे। अरे कहाँ चली गई हो तुम? तुम्हें पता यहाँ पर क्या हो रहा है? ना हमने सोचा था कि वो सनी आएगा और हम उसको अपनी तरफ कर देंगे। ओहो मामी फोन छोड़ो, चलो सबको बताते हैं ना चल के। रुक जा सिल्की, कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारा मकसद उनको अलग करना है, मिलवाना नहीं। लाली तुम्हें तो पता है मैं तो बड़ी मासूम हूँ, चंद तो तुम हो ना? हाँ हाँ वो तो हूँ। तुम ही समझाओ ना, मैं कुछ समझी नहीं। मेरा दी तेरा फोन। रुक तूने जो किया है ना वो बहुत गलत किया है। विवान अभी होश में नहीं है और जो तू उसके घाव पे दवाई लगाने के बहाने से जो उसका फायदा उठा रही है ना ये सब मुझे दिख रहा है, तो ये फालतू कोशिशें मत कर तो ही अच्छा है। मैंने ऐसा क्या किया जो आप मुझे ऐसी सड़ी सड़ी बातें सुना रहे हो? जो हुआ मैंने तो वही दिखाया ना, कोई फिल्टर फिल्टर लगा के या एडिट उडिट करके तो नहीं दिखाया ना? तू चुप कर जा। अरे रब से डर कुड़िए, यहाँ पर तेरी बहन के घर में आग लगी हुई है और उसे बुझाने के बजाय देसी घी डाल रही है, रोटियां सेक रही है। मेरा पुत्र, इसकी गलती नहीं है, अभी घर में कोई डॉगी भी बंधा हुआ हो ना तो उससे भी लगाव हो जाता है, और विवान तो फिर भी इंसान है, इसे उसकी हालत देखी नहीं गई इसलिए उसने ये सब। चल सॉरी बोल। सॉरी चल। ओ कितने हो सब लोग, ओ चलो जी तैयारियां करो, ओ निकलना है ना। की हुए अंकल जी? ओ पुत्र अच्छे हो तो इतने मिल गई, दरबार साहब जाना है। ओ सनी, ओ कितने पुत्र, ओ छेती कर। क्या पैसा कितने जाना है? बजाय जी मत्था टेकने जाना है दरबार साहब। ओ इसकी माँ ने मन्नत मांगी थी कि जब इसकी मंगनी तय हो जाएगी तभी जाएगी वो मत्था टेकने। दरबार साहब? फिर तो जी हम सब भी चलेंगे। चलेगी ना मिया? मेरा पुत्र तू भी चला हमारे साथ। नहीं मम्मी मुझे विवान से बात करनी है, अगर अभी उससे बात नहीं की ना तो पता नहीं उसका गुस्सा कहाँ पहुंच जाएगा। भाई साहब कितनी देर में निकलना है? मैं सोची थी थोड़ा सामान शमान पैक कर लूं नाल। ओ हाँ जी बस आधे घंटे से निकलते हैं। सुनो जी कह रहे हैं भाई साहब कि गुरुद्वारे जाना है तो हम लोग सर एक चलना है ना दफा। तो बड़ा अजीब सा हो रहा है। घर आप लोग अपना प्लान मत कैंसिल करो, मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी ठीक हो जाऊंगी। कोई ना तुम आराम कर लो, हम प्रसाद भी लेंगे तुम्हारे लिए। पर पुत्र तेरी माँ ने तो ये मन्नत मांगी थी कि तेरी होने वाली बूटी साथ जाएगी तभी वो मत्था टेकेगी। ओह पापा जी मम्मी ने कहो कि मन्नत की आधी किस्त अभी पूरी कर ले खुद जाके, और साथ में ना बाबा जी से थोड़े टाइम की मोहलत भी ले। अगली बार जाएंगे मीरा को साथ लेके और मन्नत की सारी ईएमआई इंटरेस्ट के साथ पे कर देंगे। ओके मीरा।
यहाँ क्या कर रही है? हाँ मैं विवान। बताओ मुझे यहाँ पे क्या कर रही हो? विवान तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? तुम मेरे बेड पे क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम यहाँ क्या कर रही हो मुझे साफ साफ बताओ प्लीज। विवान प्लीज प्लीज ऐसे एक्ट मत करो। कल रात को तुमने ही मुझे यहाँ पे बुलाया था ना, मुझे तुम भूल गए क्या? हाँ तुम मुझे मीरा मीरा बुला रहे थे, पता नहीं क्यों, पर शायद तुमने ड्रिंक कर रखी थी। विवान तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? मैंने तुमसे तुम्हारी बॉटल छीनी थी और फिर तुम उसे झगड़ने लगे और फिर देखो तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे सच सच बताओ यहाँ पे तुम क्या कर रही हो? यहाँ क्या और क्या मुझे झूठ बोलो मुझे से, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सच सच बताओ क्या हुआ? फिर मैंने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश करी भी बात। तो क्या बकवास कर रही हो? तुम नहीं रुके और